Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैक टी वी लाइव सुपरचैट के साथ ताहिर गोरा और डॉक्टर रणवीर शारदा ब्रेन बस में आपकी खदमत में हाजिर हैं हालात हाजरा के जो करंट अफेयर्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे सामने हैं हमारा फोकस कैनेडा में बैठे हुए भी साउथ एशिया होता है और हम साउथ एशिया में पीस जा रहे होते हैं वो सारी बातें आपके साथ होंगी और जब साउथ एशिया में पीस की बात हो तो कश्मीर सरे फहरस्त आता है पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं अगर मैं मौका मिला तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे अमेरिका में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो आपके सामने हैं थोड़ा सा कोशिश करेंगे आखिर में उसको भी टच करें कैनेडा में भी बातचीत हो रही है किसी भी शायद मुमकिन इंटैरम इलेक्शन की लेकिन वो भी रेडार पर नहीं है और इसके साथ साथ जो हमारा एजेंडा है लोडेड एजेंडा है वो है कश्मीर की पॉलिटिक्स कश्मीर की पॉलिटिक्स इस वक्त गर्मा गर्म है और सुपर चैट लाइव में आप देख रहे हैं हमें एज़ यूजल ब्रेन बस हर फ्राइडे को रात के 10 बजे भारतीय समय के मुताबिक 9:30 पीएम पाकिस्तानी समय के मुताबिक आता है और इसके साथ साथ हम और भी मुद्दे जो हैं वो बातचीत में शामिल करेंगे सुपर चैट मेरी और डॉक्टर शारदा साहब की जो फ्राइडे की होती है वो सिर्फ हमारी आपस में नहीं होती वो आपके साथ भी होती है और आपकी हमारे साथ होती है आपके कमेंट्स आपके कंसर्न्स और आपकी कंट्रीब्यूशन हम हमेशा अप्रीशेट करते हैं और मैं हर बार आपको याद दिलाता हूँ कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ख़ास तौर पर हमें पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पर ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव डेज ईयर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम आपकी ये जो भी आपका साथ है उससे हम अपने साथ को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा तो बहुत छोटे मीडिया आउटलेट हैं इस वक्त आप न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर चले जाइए सी एन एन की वेबसाइट पर चले जाइए किसी भी बड़े से बड़े मीडिया की आउटलेट पर चले जाइए वो सभी कहते हैं कि हेल्प अस सपोर्ट अस तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि नैरेटिव की इस वार में हमें एक दूसरे का साथ कितना चाहिए डॉक्टर रवी शारदा साहब खुश आमदेद सर जी सूरत हाल बड़ी गर्मा गर्म है कश्मीर में खास तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का करते हैं प्यार से स्वागत आपने बात की साउथ एशियन के हमारा कंसर्न होता है क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए, हुए हैं हमारा कभी भी कंसर्न जब तक हम जिंदा हैं हमारी आने वाली जनरेशन का उनके साथ कंसर्न हो या ना हो लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमारा कंसर्न उनके साथ बहुत है आपने कश्मीर का तो जो इशू है जी उसको बहुत गर्मी से लिया है इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो चाइना के प्रेजिडेंट जी ने बयान दिया है जी दो दिन पहले वो भी उतना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वर्ल्ड के साथ कंसर्नड है और उसको मैं जोडूंगा जब उस पर हम आएंगे कि किस तरीके से हिटलर के टाइम पे हिटलर को दुनिया ने ही रोकी अगर रोक देती तो शायद ये अस्सी मिलियन लोग ना मरते इसी तरीके से जी साहब जो पिछले एक साल से लगातार चला रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है लेकिन आते हैं कश्मीर के ऊपर कश्मीर के लुटेरे आपने कहा कश्मीर के लुटेरे तो एक वीडियो पहले देख लेते हैं। <laughs> कश्मीर के डाकू या कश्मीर के लुटेरे तो हमारे प्रोड्यूसर शेव लखनपाल जी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें लाइंस है उन दो बड़ी फैमिलीज का एक बार फिर जो एक दूसरे के खिलाफ रहे पॉलिटिक्स में ऐसा होता है मैं मानता हूं पहले ये वीडियो क्लिप देखिए किया है कि ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है इसका नाम होगा पीपल्स फॉर डिक्लेरेशन। इसका नाम है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आइनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल उसको बहाल किया जाए हमारी जदोजहद जो, जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिर उसकी हल अभी नहीं हुआ है हल तलब है उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फौरन और वो सारे लोग सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में उनसे बातचीत से ये मसला हल किया जाए डॉक्टर साहब आपने टाइटल दिया इस फिल्म का कश्मीर के लुटेरे वीडियो आपने देखा काली इकट्ठे हुए हैं <laughs> ये देखिए ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर बना ना जी जहाँ पर रहते हैं सबसे बड़े आ, मतलब इसके लुटेरे जी बड़े अब्दुल्ला साहब उनके घर का रेजिडेंस का नाम है गुपकर जी तो अब वहाँ पर सबको इकट्ठा कर लिया पिछले नाइनटीन में इनके पिताजी जो थे शेख अब्दुल्ला को बनाया गया था वहां पर प्राइम मिनिस्टर जी वो पता नहीं कैसे नेहरू ने उसको जेल में डाल दिया फिफ्टी थ्री बनती नहीं थी आपस में कभी आ, आ, थे <laughs> बड़े <laughs> किसी वजह से लेकिन बाद में दोबारा कांग्रेसियों ने इन्हीं फैमिलियों को आगे लेके आया जिनके बीच में एक दो और डिफरेंट आदमी भी आए लेकिन बेसिकली लगातार 48 से लेके आज तक ये जो दो फैमिली है वैसे तो इसके बीच में नाम सीपीएम का भी आता है गिलानी का भी आता है औरों का भी आता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है ये दो पार्टी जो है जिन्होंने राज किया है इनकी वैल्यू है तो बात करें मुफ्ती फैमिली की और बात करें अब्दुल्ला फैमिली की इनके पास इतना पैसा है इतने पास इनकी प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में तकरीबन हर बड़े शहर में बॉम्बे दिल्ली जी श्रीनगर और इंग्लैंड में इन, इन सब की बड़ी प्रॉपर्टी है तो जब ये लोग जो हैं जब इनको ये नज़र आता है कि अब तो हम फ्री हो गए हमारा जो दाव पे चलता था कि किस तरीके से हमने लगातार लूटना है तो तब ये बात करते हैं अगस्त पाँच बीस उन्नीस की अरे भाई अगस्त पाँच बीस उन्नीस को जो काम पचास साल पहले हो जाना चाहिए था वो उस दिन किया मैं देखिए मैं चाहे पोलिटिकली किसी भी पार्टी से एग्री ना करूँ प्राइम मिनिस्टर से एग्री ना करूँ किसी और से एग्री ना करूँ बिकॉज बींग ए जर्नलिस्ट आई है माई ओन व्यूज हाँ जी जो अच्छे काम हैं उनको मैंने हमेशा जो है वो प्रेज किया ये अच्छा काम हुआ था हिंदुस्तान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था मुझे अफसोस ये है कि ये कांग्रेस की सरकार या और जो सरकारें बनी उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ये भाई थ्री सेवेंटी हमने क्या करना है हमने तो कश्मीर को लगातार एक नसूर बना के रखा अरे भाई अब आप अब उसका ऑपरेशन हो गया अगर वो नसूर का ऑपरेशन हो गया तो अब केमोथेरेपी जो है, है वो चल ले दो अब काहे को उसके बीच में दोबारा हैं जी एक और कैंसरस सेल लेके आना चाहते हो तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये जो ग्रुप बना है कल और जिन्होंने ये कहा कि हम तो जी बकायदा लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली डिमोस्ट्रेशन करेंगे eh, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली करेंगे ये मैं तो पिछले देखिए 1950 से यही बात सुनता आ रहा हूँ कि हम हर काम पीसफुली करेंगे लेकिन मैंने उस पीसफुल मोमेंट्स में बाद में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जाने जाते देखी हैं ये पीसफुल मूवमेंट रहती नहीं है क्योंकि जब मोमेंट कोई बनाते हो आप उसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है बाकी यह है कि देखिए अब आप लोगों ने बहुत राज कर लिया अरे भाई किसी और को आगे आने दो इलेक्शन आएंगे हैं आप पहले तो ये फैसला करो कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना आप अपनी उम्रें तो देखो अब्दुल्ला साहब हैं मुफ्ती मैडम मुफ्ती आप ये कहिए कि हम नए नौजवान आगे आएंगे इलेक्शन आ रहे हैं लड़ो फिर लड़ने के बाद फिर क्या हुआ अगर एक अगर आप समझते हो कि आप जीत सकते हो दोबारा जीत लो लोगों का देख लो कितना है मैं आज भी ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर जम्मू का जो एरिया है लद्दाख तो चलो वैसे ही ख़त्म हो गया तो जम्मू का एरिया है जी उनमें तो वैसे भी इनकी इतनी बड़ी होंद नहीं थी पहले बिल्कुल ठीक हाँ जी अब रह गया कश्मीर मेरे जो मैंने खबरें पढ़ी हैं कि कश्मीर के लोग भी इनसे इतने दुखी हो चुके हुए हैं कि दे वुड लाइक देम टू तो गो सम डॉक्टर साहब देखिए बात यह बड़ी आपने अच्छी बात की कि डेमोक्रेटिक समाज है भारत का और कश्मीर भी भारत का हिस्सा है उसमें भी वही डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं अब उन इलेक्शंस में हमने देखा अरसा दरा से कि इन फैमिलीज़ का होल्ड रहा लेकिन डॉक्टर साहब आप याद कीजिए बीच में ऐसे समय भी आए जब हुर्रियत वालों ने भी अपनी सरकारें बनाई जब सेपरेटिस्टों ने भी अपनी सरकारें बनाईं वो भी काफ़ी लंबे अरसे पे रहे ऑन एंड ऑफ लेकिन उनके बारे में मुझे ये पता होता था कि ये इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे वो जैसे भी थे आई मैंने हमेशा डिसएग्री किया है और सेपरेटिस्टों से रादर आई मस्ट से आई हेट लेकिन ये था कि हमें उनका पता होता था ये कहाँ खड़े हैं ये जो हैं दोनों फैमिलीज ये प्रो भारत भी होते हैं और भारत को ब्लैकमेल भी करते हैं ब्लैकमेल ही आज तक इन्होंने किया प्रो भारत का मतलब ये है कि ताकि ये हिंदुस्तान की जो रूलिंग पार्टियाँ हैं उनके बीच में से फायदा उठा सकें और फायदा उठा के अपने घरों को और अपनी तिजोरियों को और ज्यादा भर दिस इज सकेंट देव डी अदरवाइज मुझे ये बताइए मैं आपको uh, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो इनको छोड़िए जी मैं आपको गुलाम नबी आजाद की बात बता रहा वो तो कांग्रेस लीडर वो भी चीफ मिनिस्टर रहा जी इनके बेटे उमर फारूक रहे मिनिस्टर हाँ नहीं वो तो चीफ मिनिस्टर है हाँ वो तो आ, वहाँ पे चीफ हाँ चीफ मिनिस्टर है आ, उस उससे पहले वो सेंट्रल में भी रह चुके हैं राइट व्हाट आई मीन कि वो वो शख्स अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो शायद किसी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ना दे सके बिल्कुल ठीक बात है तो ये ये जो सेंटर की गवर्नमेंटें होती हैं उनको खुश करके आप एक सेंटर ने आम जो हिंदुस्तान के आदमी के ऊपर खर्च होता है वो होता सात आठ सौ रुपया तेरह सौ तक अब शत पहुंच गया कश्मीर में हर आदमी के पीछे टू थाउजेंड एट हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड खर्च होता और पिछले ए uh, जी सत्तर साल से इन लोगों ने सिर्फ फ़ायदा ही फायदा लिया है सेंटर से अब टाइम आ गया मैं समझता हूँ कि दैट वाज द बेस्ट मूव आई कॉन्ग्रेचुलेट मोदी गवर्नमेंट ऑन दैट जो उन्होंने अगस्त को 2019 को 370 खत्म किया था मैंने उस वक्त भी बहुत तारीफ की थी बिल्कुल सही आज भी मैं समझता हूँ क्योंकि मैं मैंटली क्लियर हूँ कि येस इट शुड हैर्लियर नहीं हुआ चलो अब हो गया अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले टाइम के ऊपर ये कश्मीर का यही ही खत्म हो जाना है देखिए थ्री सेवेंटी के बाद इमरान खान साहब पावर में आए थोड़ा उससे थोड़ी जी देर, जी, देर पहले सही और वो चिल्लाते रह गए सारी दुनिया को कि ये क्या हो गया देखिए उन्होंने इनक्स कर लिया ये वही बात है जैसे क्रीमिया को नेक्स्ट कर लिया था ना रशिया ने right, सारी right. दुनिया ने शोर डाला हुआ कुछ नहीं राइट राइट हाँ जी अब पार्ट हो सो तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो नसूर है नसूर का मतलब जो ये एक बहुत बड़ा कैंसरस था हाँ जी सर ये खत्म कर दिया गया एंड नाउ पीपल विल एन्जॉय इन द कमिंग ईयर्स डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को रिलीफ मिलेगा इसी जो एलाइंस बना है फ़ारूक मुफ्ती फैमिलीज़ का उस पर डोगरा फ्रंट ने क्या कहा आप एक वीडियो क्लिप देखिए डलरेशन एक धोखा है गुपकार डिक्लरेशन एक फ्रॉड है अपनी अब अप पोलिटिकल समाप्तिकरण हो गया है उसको बजाने के लिए इकट्ठे हो गए मैं पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट के अंदर तीन को लेकर का कोई क्यों नहीं बोला विधानसभा के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी थी तब कोई क्यों नहीं उसके अंदर बिल पास करा ये दोनों आपस के अंदर दुश्मन अब अपनी जमीनी हकीकत बचाने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए इसलिए ये एक धोखा है गुपकार डिक्लरेशन और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है जम्मू का कोई प्रतिनिधि नहीं है जम्मू रिजन वाले तो तीन के समर्थन के अंदर है श्रीनगर वाले तीन के समर्थन के अंदर है अगर वो नहीं होते तो बाहर आते लोग प्रोटेस्ट होता कोई नहीं आया बाहर लाइव सुपरचैट टैक टी वी का ब्रेन बस में आप डॉक्टर रनवीर शारदा और मेरे साथ देख और सुन रहे हैं मैं और डॉक्टर रनवीर शारदा मज़ीद अपनी कमेंट्री इस बहुत ही सुलगते हुए इशू पर करेंगे मगर मैं ये चाहता हूँ कि गुफ्तु को एक थोड़ा सा नया एंगल देने के लिए फ़ारूक अब्दुल्ला के उन दो क्लिप्स को आपके साथ शेयर करूँ जो उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में बातचीत की उससे बातचीत किसी और तरफ भी निकलती है लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ टैग टीवी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ हमें ट्विटर पर और, और, और जो हमारा टैग टीवी का डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे आप रू कंट्रीब्यूट करिए आपका अपना चैनल है आप हमें नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे आप अपने चैनल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी वजह से ये चैनल जो है वो चलता रहेगा आप आज देखिए कि कितने चैनल यू, यूट्यूब के ऊपर हैं कितने आए और कितने चले गए लेकिन ये पिछले छह साल से लगातार आपकी सेवा में हाजिर है आप जरूर कंट्रीब्यूट करें पे पॉल डॉट कॉम स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पे पॉल डॉट मी सॉरी मी सॉरी पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टीवी इंटरनेशनल पर जरूर जितनी भी आप मदद कर सकते हैं आप हेल्प करिए ये बार बार हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं और बातचीत को आगे चलाएंगे मैं दोनों वीडियो क्लिप्स आपको ऊपर तले दिखाना चाह रहा हूं जो उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया और उससे हम बातचीत को एक डिफरेंट एंगल की तरफ लेकर चलेंगे oh, so, That everyone is equal. So, sentiment for Kashmiri independence has grown sizably. Well, I think there is no doubt about it. It has grown, and if it continues to have this effect in the rest of India where lynching and all these other things happen and Muslims are not trusted, you can keep the entire Indian army there and do what you like. One day, this volcano will blow. How close is has India come to losing Kashmir? Well, they have lost people. Today, when China is advancing on that other side, you know, many if you talk to them, they would rather have Chinese coming in. Whatever one may say, they know what Chinese have done to the Muslims in their region. You, you're serious about this. The very I'm not, I'm not. I'm not serious about it. I am honest about it. I'm honest telling you the what people do not want to listen. They would rather have Chinese than Indians. Yes. To Farooq Abdullah कहते हैं कि I'm not serious about it. I'm honest about it कि कश्मीर के लोग उनके मुताबिक Chinese को welcome करने को तैयार हैं. Angle हम ये लिख रहे हैं कि करन थापरजी ने एक तो interview ये किया और दूसरा इंटरव्यू उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मुईद यूसुफ का किया और मुईद यूसुफ ने अपने उस इंटरव्यू में क्लेम किया कि हम हमें एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन मिली है भारत से बातचीत करने के लिए और उन्होंने वही अपना कश्मीर का रेटरक अपनाया तो करण थापर जी ने यूं लगा जैसे कश्मीर के मुद्दे को यानी पाकिस्तान के नैरेटिव को दोबारा उठा दिया डॉक्टर साहब आपने छोटे छोड़ छोटे क्लिप देखे देखी मैंने देखे मैंने इंटरव्यू जी जी देखिए बेसिकली बात क्या है कि जब ये लीडर्स के पास पावर नहीं रहती वो कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस यंग एज में जो मेंटल बैलेंस है ना वो भी वर्ड्स के सा, साथ थोड़ा सा हिल जाता है तो जब वो मेंटल बैलेंस हिल जाता है तो फिर उनको ये नहीं समझ आती कि चाइना की वो बात कर रहे हैं चाइना में तो 20 मिलियन मुसलमानों की जो हालत है पहले आप उसके बारे तो बात करो आप ये कह रहे हो कि हमारे मुसलमान चाइना को वेलकम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि जो इंडिपेंडेंस देखिए जो वर्ड उन्होंने यूज किया था वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट विद इन कश्मीर बढ़ रही है अगर विद इन कश्मीर बढ़ रही है तो जैसे हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए लाखों ने अपनी जाने दे दी करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते थे महात्मा गांधी की एक आवाज़ के ऊपर तो क्या हुआ पांच अगस्त बीस से लेके आज तक वन एंड हाफ ईयर हो चला है वन एंड हाफ़ ईयर में चलो एक साल ही सही एक साल में कितने लोग सड़कों पर आए कितने लोगों के दिल में ये है, है जी आ, कि हम अपनी जाने दे, दे देंगे लेकिन हम हिंदुस्तान के झंडे के अंदर नहीं रहेंगे जब इस किस्म की गलत फहमी पहले तो इनकी होंद कोई नहीं देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में दीज पीपल हैव इन, इन इनको कौन इंटरव्यू कर रहा है वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े चैनल्स में से बाहर हो गए हुए हैं अच्छा दैट्स नंबर वन नंबर टू क्योंकि इनकी इतनी बड़ी सेह नहीं है सो so, कई बार थोड़ा सा करने के लिए, है, जो नॉन थे मतलब जर्नलिस्ट वो कोशिश करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें लेके आए ताकि लोग हमें सुने हमारी टीआरपी बढ़े और हमें जो हमारे तो सारे सच्चे मतलब लोग हैं जो हमें सुनते हैं लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कम से कम इस दिन तो हमारी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जो दिमाग के इस वक्त पुरजे हैं हाँ वो तकरीबन चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो चाहे वो अमर अब्दुल्ला हो चाहे मुफ्ती हो चाहे गिलानी हो चाहे बा... अरे बीच में मार्क्स सी पी एम कहाँ से आ गए बताइए अरे उनको उनकी तो बिल्कुल ही होंद नहीं है हैं हाँ, तो वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं ये होता है कहीं ना कहीं ये बैठ के ही चलो बैठ के चाय पानी समोसे तो मिलेंगे खाने को अच्छा तो मिलेगा उसके घर में हाँ, ये बातें जो है ना ये ये पॉलिटिक्स में अब नहीं चलेंगी अब ये टाइम चला गया Now, now they have to understand, their their time has gone, and they should look for some new leadership and they should bring some new uh, generation forward. बात देखिए jo problem hai हिंदुस्तान में families ki problem sabse badi rahi मैं sorry I am taking जी, 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 uh, one or two minute extra हिंदुस्तान में जो families की problem है वो इतनी serious problem है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान का हाल जो हुआ हुआ है हैं जी वो आज इस खतरनाक सिचुएशन पर है अब्दुल्ला फैमिली मुफ्ती फैमिली कश्मीर बादल फैमिली पंजाब मुलायम फैमिली यूपी एनदर मुलायम फैमिली इन बिहार हैं जी एनदर अपने वो उड़ीसा के जो नवीन पाटिल साहब हैं जी उनकी फैमिली इसी तरीके से आप ये देख लीजिए महाराष्ट्र में फैमिली इसी तरीके से साउथ में देख लीजिए फैमिली ये जो फैमिलीज़ की पकड़ है और अपने आप को अमीर बनाने का जोश है और हिंदुस्तान के लोगों का अभी तक बहत्तर साल में ये ना समझना कि ये फैमिलीज जो हैं ये हिंदुस्तान का भला नहीं हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं मैं आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस की फैमिली जो है हाँ जी नाइनटीन फिफ्टी फोर्टी एट में जवाहरलाल नेहरू बने उसके बाद उन्होंने कम से कम फोर्टी ईयर्स राज किया क्यों नहीं ये फैमिली कहती कि नहीं हमने अब बहुत राज कर लिया आइए कोई आगे बढ़े उनका लीडर कहता है कि मुझे फैमिली का नहीं आदमी चाहिए और फिर छोड़ता नहीं तो ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जी डॉक्टर साहब आपने कहा फैमिली का इशू है फैमिली का इशू भी होता है लेकिन अगर फैमिली में कॉम्पिटेंट लोग हों तो वो इशू नहीं होता पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी इस पर भी बातचीत करेंगे मगर यहाँ पर जो हमने आपको दो वीडियो क्लिप दिखाए वो करण थापर के एक इंटरव्यू के हवाले से जिसके मुताबिक कश्मीर में एक नई बहस ने जन्म लिया और करन थापर ने ही पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मुईद यूसफ का एक इंटरव्यू किया वो उसकी तो हम झलक नहीं दिखाएंगे मगर उस इंटरव्यू में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा वो हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और इसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे और ये सुपर चैट आगे बढ़ेगी आप हमें कमेंट्स भी भेज रहे हैं क्वेश्चन भेज रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो जल्द ही हम उनको एड्रेस करना शुरू करेंगे कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पर आप हमें ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं देखते हैं आज के शो में आखिरी वीडियो क्लिप जिसमें भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहते हैं मूर यूसफ के उस इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में Has India sent a message conveying desire for conversation to Pakistan? If true at all, when was it done? Also, is Kashmir still a topic of dialogue with Pakistan? What does India think of Yusuf's demand that Kashmiris must also be present at the talk? We have seen reports on the interview by a senior Pakistani official to an Indian media outlet, and he has commented on India's internal matters. As always, this is Pakistan's effort. To divert attention from domestic failures of the present government and mislead its domestic constituents by pulling India into headlines on a daily basis. The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading, and fictitious. As regards the purported message that was referred to let me make it clear that no such message was sent from our side

का मंशा क्या है जब मैं भी कभी बात करता हूँ तो हम अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवाते हैं ये स्टाइल होता है वो अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवा रहे हैं लेकिन इससे यह पता चल रहा है कि करण थापर जी जो अपनी मर्जी की बात मुंह से कहलवा रहे हैं वो कश्मीर के एक्सट्रीमिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है डॉक्टर साहब मैं अब ये टर्न देना चाहता हूँ आपसे ये गपशप करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम फ़ौरन अब क्वेश्चन भी लें ये टर्न हमें देना चाहिए हम ये तो कह रहे हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक समाज है हम ये तो कह रहे हैं कि भारत में आ, अब ये ख़ासतौर तो पर कश्मीर में भी इलेक्शन की बात हो रही है ये हक हाँ होना चाहिए हम ये तो कह रहे हैं कि ये नई लीडरशिप को लेकर आए वहाँ पर बहुत सारी नई पार्टीज़ बन चुकी हुई हैं जम्मू ऑलरेडी इनसे बाहर है लद्दाख तो बाहर हो ही गया अब श्रीनगर की बात है वो जो मतलब खासतौर तो वैली की सारी की सारी दस डिस्ट्रिक्ट ठीक है, है और वो वहाँ पे काफी टेंशन रहती है हाँ, खास करके बारहुल्ला बारामुल्ला अनंतनाग की तरफ तो जी बिल्कुल पुलवामा और आगे, ये आगे। ये सब अच्छा ठीक है इसमें ये रहता है हुरियत वाले भी हैं सेपरेटिस्ट भी हैं सब कुछ आपको लगता है कि नई लीडरशिप इमर्ज होगी इन फैमिलीज को छोड़िए देखिए नई लीडरशिप का अमर्ज होना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ द कश्मीरीज अगर कश्मीरी लोग ये चाहते हैं कि हमारे लाइफ स्टैंडर्ड आगे बढ़े हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े हमारे बच्चे जो हैं, हैं जी वो किसी न किसी अच्छे पोजीशन पर लगें इन जितने भी पॉलिटिशियन हैं इनके सारे के सारे बच्चे या तो हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं या दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं सबके नॉट ऑफ वन एवरी वन उन सबके लोन साहब और और कई कही, कईयों के बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाइस्ट सर्विसेज में बैठे हुए हैं अगर आप कश्मीरी लोग चाहते हो कि आपका भी फ्यूचर ऐसा बढ़िया बने आपके बच्चे भी सेट हों यही लोग लूट के ना खा जाए तो आपको कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा आपको कोई ना कोई नई जनरेशन की तरफ चलना पड़ेगा आपको कोई ना कोई अच्छे लोग आगे लेके आने पड़ेंगे आप और मैं यहाँ बैठे नहीं ला सकते ये तो उन्हीं को लाना है कोर्स मैं एक बात और बता दूँ मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ फैमिलियों में कोई अच्छा आगे आ जाए देखिए फैमिली दो ही जगह पर आपको ज्यादा मिलेंगी या पाकिस्तान में या यहाँ पर या बंगलादेश में कनाडा में भी है नहीं में, में में एक देखिए एक, एक, एक मैं बता बहुत कम फैमिली है जो आगे बढ़ी हैं ऐसे ही ऐसे तो अमेरिका में भी कैनेडी फैमिली है जी कैनेडी <coughs> फैमिली जो है और बुश फैमिली वो दो रही हैं लेकिन उनका उतना बड़ा नहीं रुतबा रहा इन देंस ऑफ कि कंट्रोल ये जो मैंने फैमिली आपसे बात की है जैसे आपकी भुट्टो की फैमिली है नवाज़ शरीफ की फैमिली है या अब मुझे तो यही दो तीन फैमिली नजर आती है हाँ, ये है है बहुत बड़ी दो दो ये ये फैमिली जो हैं ये जब कब्जा कर लेती हैं तो इनमें से वो जो उनकी उनके जो बुजुर्ग होते हैं ना उन्हीं की सीख पे वो चलते हैं ठीक उनमें से बीच में से अच्छा कहाँ से निकलेगा सो so ये कहना कि उसमें से कोई अच्छा निकले हो सकता है कोई ना कोई देर मस्ट भी सम वन वुड कम आउट राइट पर ये फैमिली स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से खत्म होना चाहिए और कश्मीर के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं पीपल अलायस फॉर डिक्लेरेशन दे शुड बी टोटली रिजेक्टेड बाई पीपल एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू हैव एनी थिंग टू डू विद द कश्मीर अफेयर्स बिल्कुल आप ठीक कह है रहे हैं लेकिन बात यही है सवाल यही है कि वहाँ पे मूवमेंट्स ग्रास रूट लेवल पे आनी चाहिए मीर जुनेद एक नाम है एक उन्होंने एक अपनी पोलिटिकल पार्टी बनाई वो आगे आ रहे हैं मैं उनके ट्वीट सुबह ही देख रहा था पढ़ रहा था उसमें उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच ली उन उसमें उन्होंने मीर जुनेद ने अपोज किया है इस इस गठजोड़ को गपकर को हाँ इस गठजोड़ को उन्होंने कहा कि ये ये नुकसान उनमें बड़ा एक अच्छा उन्होंने जुमला कहा उन्होंने कहा कि बात ये कि इनका गठजोड़ डार्क एजेस ऑफ नाइंटीज में ले जाएगा ठीक है वी हैव टू मूव फॉरवर्ड डॉक्टर साहब कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो रही है ये सब बातें चल रही हैं क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि हमें देना भी शुरू कर दें तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बराज किशोर जी का इफ पाकिस्तान स्टॉप्स रिटेलिएशन वर्ल्ड विल कम टू नो हुट सीज फायर एंड कश्मीरीज विल बी हैप्पी एक तो ये है एक हमारे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे यश जी का तो पहले uh, इनका है हेल्प ऑफ चाइना as this, as they are saying are they dreaming उट अबाउट इट चाइना के बारे में आज थोड़ी सी मैं जरूर बात करना चाहता हूँ अगर साहब बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना का भी इस वक्त जो रोल आ रहा है जो उनके प्रेसिडेंट इस वक्त एक्सट्रीमलीव हुए हैं जी उनका रोल मैं ये समझता हूँ की चाइना विल ट्राई विद्प ऑफ पाकिस्तान टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कश्मीर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए चाइना विल डू इट्स बेस्ट टू क्रिएट सम और समी अपने लद्दाख में भी और कश्मीर वैली में भी वो जरूर कोशिश करेगा और यही नहीं मैं ये समझता हूँ कि आंध्रा अपने आंध्राचल प्रदेश में भी वो कोई ना कोई गड़बड़ क्रिएट कर सकता है देखिए चाइना अपना वहां पर मैसी काम तो कर ही रहा है हाँ। और ये दो तीन साल से ज्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है हाँ। और खासतौर पर चंद महीनों से हाँ। जब से ये कोविड का ज़माना शुरू हुआ चाइना ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस का इज़हार किया पीछे वो थोड़ा सा रिट्रीट भी कर जाता है जब जब देखता है कि अब भारत वो वाला 62 वाला भारत नहीं है वो टेस्ट करता है वाटर को जैसे होता है ना टेस्ट करना वो करता है तो वो ये चल रहा है चाइना ने बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं और पूरी कौम को प्रजिडेंट जी ने कहा और कम्युनिस्ट पार्टी के रिसेंट uh, एक एड्रेस uh, में कि जी आप पूरी कॉम को जंग के लिए तैयार होना चाहिए इसलिए अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी प्रेशर पड़ रहा है जब से उन्होंने कोविड की जंग छेड़ी है चाइना ने एटलीस्ट मैं सॉफ्टवर्ड्स में इतना तो ही कहूँगा कि दुनिया को मिस इन्फॉर्म किया इससे आगे क्या फाइंडिंग्स दुनिया को मिलती है चाइना के बारे में वो एक अलग बात है इस वक्त तक ये फाइंडिंग तो पक्की है कि चाइना ने दुनिया को मिसलीड किया और वो वायरस जो से निकला बीजिंग तक तो ना पहुंचा सीधा इटली आया पहले और फिर पूरे यूरोप में और अमरीका में फैल गया तो भारत ये बड़ी अपनी जगह पे जो है ना बड़ी सस्पिशियस बातें हैं जब कोई वर्ल्ड लीडर जी जो के हथियारों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो मुझे ना 1933 का टाइम याद आ जाता है जबकि हिटलर ने जर्मनी को टोटल अपनी पावर में ले लिया right. था। और किस तरीके से उसने आर्मामेंट की प्रोडक्शन शुरू कर दी सारी दुनिया देख रही थी सारा यूरोप देख रहा था लेकिन उसको रोकने के लिए क्या किया यूरोप ने उसको रोकने के लिए 1930 सितंबर 1938 में जो चेंबरलेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो चेंबरलेन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो उसको मिलने गए राइट मिलने गए वहाँ पर उसको वार्न करने के बदले उसके आगे हाथ जोड़ के एक ट्रीटी करके आ गए कि लो जी आ, हम वो उसने कह दिया कि मैं नहीं आ, लड़ाई करूंगा मैं लड़ाई नहीं चाहता उसी ने उसी वक्त स्टालिन साहब ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा उन्होंने भी ट्रीटी कर ली उन्होंने भी ट्रीटी राइट, कर ली अच्छा दोनों ने जब टीटियाँ कर ली, तो वो वो टीटियों को तोड़ना जानता था जैसे चाइना जानता मैं ये कहता हूँ कि हमें सबक वहां से सीखना चाहिए जिस दिन चैम्बर गया अगले हफ्ते उन्होंने चकर्स को कब्जा कर लिया कोई कुछ नहीं कर सका हाँ जी आ, बात ये कर, यही करने गए थे क्योंकि उस वक्त ये बात चल रही थी कि आ, जो हिटलर है वो चकवाकिया को हड़प करने जा रहा बगैर एक गोली चलाए उन्होंने हड़प कर लिया सेकंड निशान पोलैंड आ गया यानी कि वर्ल्ड ने उस वक़्त भी अपनी आंखें नहीं खोली जब तक रशिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ जब तक इंग्लैंड के ऊपर अटैक नहीं हुआ उन्होंने लड़ाई में शामिल होने की भी बात नहीं की बिल्कुल ठीक है और अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जब तक उनके ऊपर अपना हमला नहीं हुआ तब तक उन्होंने वो वर्ल्ड वार में शामिल नहीं हुए अब मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो प्रेजिडेंट जी हैं वो बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं कोविड नाइन्टीन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं उस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं उससे ये लगता है कि एक एनदर हिटर जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है मैं ये समझता हूँ कि यूरोप इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है इकनॉमिकली कोविड नाइन्टीन में अमेरिका में जब तक इलेक्शन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता सो ही हैज़ ए फ्री टाइम राइट ऑन इज हैंड फॉर द नेक्स्ट वन मंथ हाँ जी वो क्या जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तो उस वक्त भी मैं चाहता हूं इस पर जरूर बात करें जी। उस वक्त भी सबसे पहले अमेरिका को जापान को फ्री करना पड़ेगा कि जापान कैन प्रोड्यूस इट्स ओन वेपन्स एंड इट्स ओन सीरियस आर्मी उनके पास वेपन है छोट छोटे छोटे जी, जी।, जी आर्मी भी है, है। लेकिन नॉट अप टू एन ईयर पहले तो जापान को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा अपने आप से इधर जर्मनी को भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा कि भाई जर्मन आप मिलके यूरोप जो है आप भी कोशिश करो किस तरीके से हमने इसको रोकना है ये अकेले एक कंट्री के पास का नहीं है बट ये वी हैव टू बी टुगेदर जिसमें इंडिया को भी शामिल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया मैं तो कहता हूँ साउथ कोरिया जी जापान इन सबको एक आंखें जो हैं है क्योंकि तो मैं मैंने मेरे अपनी जिंदगी में बहुत कम चाहे पढ़ाई किया लेकिन हिटलर को मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया इतना ज्यादा मैंने उसकी स्टडी किया आज भी रात को हफ्ते में मैं एक बार सेकंड वर्ल्ड वार की हिटलर का फॉल राइज की मैं जरूर एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री uh, देखता हूँ राइट राइट क्योंकि मुझे मैं कोशिश कर रहा था यह समझने की ये बेवकूफ आदमी के इसका दिमाग कैसे हो सकता है कि अस्सी मिलियन आदमी मरवा दे और yes. अपने देश को ख़त्म कर दे दिस इज वाट जी इज डूइंग मैंने तो सुना है कि विद इन इट्स ओन पार्टी इन चाइना पीपल आर वेरी मच वरीड अबाउट जी का जो इस वक्त ये एक्सपेंशनिज्म चल रहा है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब बड़ी ये वाकई बड़ी गंभीर सूरत हाल है उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है ये बात पक्की है आ, ये खबरें अभी ओपनली सामने नहीं आ रही लेकिन जो हम बिटवीन द लाइन्स रीड कर सकते हैं उसमें साफ लगता है उसकी वजह ये होती है कि जी की इन जो है ना एक्सट्रीम एक्सपेंशनस पॉलिसियों की एंडोर्समेंट चाइनीज़ कम्यूनिटी की तरफ से हर गज़्त हमें नहीं मिलती जो चाइनीज़ कम्यूनिटी इवन कनाडा में रहते हैं जो अमेरिका में रहते हैं यूरोप में रहते हैं दे ऑल आर अपसेट हांगकांग आपके सामने मिसाल है हांगकॉन्ग उनका हिस्सा होने के बावजूद इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट शो कर रहा है वो ये चाहता है कि वो जो ट्रू डेमोक्रेसी है उनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब हम सुपर चैट में बातचीत कर रहे हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं बराज किशोर साहब ने कमेंट की सूरत में क्वेश्चन तो आ, मैं नहीं कहूँगा कमेंट है वो कहते हैं कि जो

ये तो वो इस वो अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर कश्मीर की तरफ से हैं, उसकी इंडिया को करना पड़ रहा है ना के पाकिस्तान को राइट right, राइट right. ये गिरीश कुमार जी ने जो हमें हर बार हम शुक्रिया अदा करते एक सौ एक रुपए की हमें सलामी देते हैं <laughs> वो, आ, इन्होंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा है अगर शिवम साहब दिखाएंगे तो डॉक्टर हाँ आप, आप हाँ, पढ़ सकेंगे मैं अभी हिंदी को थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ बात तो खैर गरीश कुमार जी का भी आ, हम अभी एड्रेस करते हैं डॉक्टर साहब बहुत सारी इससे पहले ये एम एस कोई यू, आ, कोई अकाउंट यूट्यूब का वो पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंक द एंड विल टेक प्लेस फॉर पाकिस्तान एज़ अ कंट्री देखिए बात ये है कि ये बड़ा आ, एक चुपता हुआ सवाल होता है और आ, आ, पाकिस्तान ऑलरेडी 1971 में ख़त्म हो चुका है ये हम भूल जाते हैं चूंकि इतना बड़ा कंट्री था उस वक्त दो इक्वल हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ है अब पाकिस्तान का जो बाकी का हिस्सा है वो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि वो चलता रहे ताकि उस रीजन में स्टेबिलिटी रहे लेकिन जिस तरह के काम पाकिस्तान की एस्टेबलिशमेंट आर्मी ख़ुद ही कर रही है बलोच आ, कौम पर जो जुल्मों सेम हो रहा है पश्तूनों पर मों से तम हो रहा है, है। सिंधियों पर महाजरों पर तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है तो ये चीजें अगर और आगे बिगड़ती हैं तो फिर वो जो आपका ख्याल है कि टूट सकता है तो फर्दर टूट सकता है यही मैं कहूंगा तो तो मतलब जो ऑलरेडी डॉक्टर दो टुकड़े हुए हैं आ, 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 तो पाकिस्तान का नाम तो खत्म हो जाना चाहिए था ना तौर पर चलिए वो पाकिस्तान वो एक कॉर्पोरेशन होती है डॉक्टर एक कॉर्पोरेशन होती है नेचुरली क्या होता है कि जब कॉर्पोरेशन टूटती है तो वो कॉर्पोरेशन का नाम चेंज हो जाता है चलिए वो क्या फर्क पड़ता है हाँ। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम ये हम कह सकते हैं कि देखिए कंट्री जो बन जाते हैं ना जी बहुत कम ऐसे कंट्री होते हैं जो कि किसी और कंट्री में मर्ज होते हैं आज के जमाने में हाँ कंट्री के बीच में कंट्री बने हमने देखा युगोसलाविया के चार कंट्री एक मंट्रो जो है वो सिर्फ आठ लाख आदमी है वहां पर जो भी अलग कंट्री हो गए तो दुनिया में अलग कंट्री जो है वो होते रहते हैं हमने देखा रशिया के कितने टुकड़े हो गए कितने छोटे छोटे कंट्रीज बन गए दैट इज ए पॉसिबिलिटी हाँ जी लेकिन आई डोंट थिंक कि एज ए कंट्री फ्रॉम दैट पार्ट विल गो अवे एनीवेयर राइट राइट तो बहुत सारी बातें चलनी है गरीश कुमार जी का डॉक्टर साहब आ गया क्वेश्चन हिंदी में पशु कितने भी प्रेशन्स प्लांट्स गिग हो जाए तो भी कुम्हार के ही काम के होते हैं हम तो कोई चैलेंज नहीं देखते अब सिर्फ आपका वो लिखा नहीं वो मैंने अपनी धन्यवाद <laughs> <कि जिर्फ आपका... laughs> है इनका शुक्रिया इनका <laughs> <laughs> उनका कहने का मतलब ये है कि जो <clears throat> बेसिकली पशु तो आप समझते हैं जी 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 हाँ जी ये ये कुछ भी कर लें अखीर में जो कुमार है जी उसी ने उसके ऊपर मिट्टी ढो के अपने घड़े बनाने घड़े बर्तन बना, बनाने <laughs> पादे बनाने <laughs> <laughs> और अब तो हम कोई कहते टीवी देखते ही नहीं है क्योंकि आपके अब आप मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि 24 घंटे टैग टीवी आपकी सेवा में हाजिर होता है इसमें हिंदुस्तान की खबरें पाकिस्तान की खबरें दुनिया की खबरें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जैसे कि आप फ्राइडे को देखते हो ब्रेन बस्ट इसी तरीके से मंडे को ट्यूसडे को वेस्डे को थर्सडे को बड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं चौबीस घंटे भी कई बार मुझे लगता है कम पढ़ते हैं टैग टीवी के लिए क्योंकि इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं ताहिर साहब के माइंड में इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उन आइडियाज़ को 10 परसेंट भी हम पूरा कर लें तो यू विल हैव एब्सोल्युटली ए न्यू थिंग इन द वर्ल्ड प्लीज़ गो टू पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल हैं जी जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ करिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग डॉलर्स के कंट्रीज़ में रहते हैं कैनेडा में रहते हैं अमेरिका में रहते हैं इंग्लैंड में रहते हैं जी वो अपनी करेंसी में कंट्रीब्यूट करें ताकि इस टैग टी वी की आगे बढ़ने वाली जो एक फैमिली है वो और बढ़िया आपके सामने रंग ला सके और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक हज़ार से ज़्यादा लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है टैग टी वी सुपर चैट लाइव में संदीप जी का क्वेश्चन हमें नज़र आया कैन इंडिया ट्रस्ट अमेरिका टू काउंटर चाइना हाँ बिल्कुल मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट सा ही जवाब दूंगा कि अब इंडिया ट्रस्ट कर सकता है अमेरिका पे क्योंकि अब अमेरिका को भी चाइना का उतना ही कंसर्न है जितना किसी भी कंट्री को हो सकता है सुपरचैट में बातचीत कर रहे हैं हम कंटेप्रेरी इश्यूज़ पर एक क्वेश्चन और सामने आया राहुल गांधी का शादी नहीं हुई आ, अभी, तक, अभी तक अब अब कहां से आएगी गांधी फैमिली का फ्यूचर जी डॉक्टर साहब ये आप ही का सुनना जो देखिए मैं तो फ्यूचर खत्म करना चाहता हूँ नहीं मैं तो कहता हूँ गांधी फैमिली को गांधी फैमिली को अरे ये 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 कौन सी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में आप बात कर रहे हो गांधी फैमिली को रिटायर होना चाहिए गांधी फैमिली को उसकी शादी हो ना हो आजकल की जो लड़कियां हैं वो फैमिलियो को कैरी करती हैं जरूरी नहीं है लड़के कैरी करते हैं right. सो ये ये जो कंसेप्ट है ना हमारे हिंदुस्तान में कि जी हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी अगर लड़के ने शादी ना की लड़के के आगे लड़का ना हुआ तो लेट्स से उम्र राहुल गांधी की शादी हो जाती है के दो हो जाती हैं फिर right. मतलब ये ये कंसेप्ट जो है मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इससे बाहर निकलना चाहिए दैट्स नंबर वन और मेरी पूरी इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी अगर जिंदा रहना चाहती है मैं कांग्रेस पार्टी के भी भले में हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ दो तीन अच्छी पार्टियाँ रहें हिंदुस्तान में लेकिन गांधी परिवार को उससे टोटल टोटल का मतलब है टोटल डाइवोर्स लेना पड़ेगा देन ंग मे हैपन अदरवाइज दैट पार्टी इज डोम इंडिया यहां पर एक और क्वेश्चन भी मैं देख रहा हूं कि किसी ने पूछा आर एन आर अकाउंट ने कि मेखाइल गौरबा चौफ ने तो यूएस के वो उसको तोड़ा क्या चाइना में कोई ऐसा लीडर या कोई वर्ल्ड में लीडर आएगा जो चाइना को ब्रेक कर सकेगा देखिए बात यह है कि यू एस एस आर की सिचुएशन और थी यू एस एस आर का मामला था कि वो एक सोवियत यूनियन की फेडरेशन थी बहुत सारे मुल्कों का वो मलमा था चाइना की सिचुएशन ज़रा और है चाइना एक सिविलाइजेशन के तौर पर एक पूरी की पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन उसके आगे कई एथनिक ट्राइब्स हैं जिसमें हैंड ट्राइब सबसे बड़ा है तो मसला ये नहीं है हम कुछ जोड़ तोड़ के कायल नहीं है हम ये होते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं या जो भी सिविलाइजेशन है वो दुनिया में अमन की बात करें तो चलते रहें गौरब चौफ ने इसलिए सोवियत यूनियन को तोड़ने की बात की थी कि वो सोवियत यूनियन चूँ का मरबा था और इकनॉमिकली हो चुके थे मैंने पर्सनली देखा यही मैं कहना चाहता था नहीं? कि वो उसने नहीं तोड़ा जी उस उसकी जगह कोई भी होता वो खुद ही टूट जाना था वो वो कंट्री जो था वो उस जगह पे पहुंच चुका हुआ था एट द द्रेंड ब्रेंक राइट इट कुड सेव इट जो सतारा कंट्रीज इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हड़पे थे सोवियत यूनियन बना था रशिया आज है जो आज का देश है वो रशिया है हाँ रशिया का उससे अलग होना उस वक्त कंपल्शन थी और चाइना एज ए नेशन जैसे हिंदुस्तान फिर तो ख़तरा जो है हिंदुस्तान को पहले होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में बड़ी डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं मैं समझता हूँ कि एक इनको सांस्कृतिक ढंग से जब जोड़ा जाता है सारा इंडिया की एक जब संस्कृति एक होती है तो इंडिया जुड़ा रहता है ऐसी चाइना जो है वो आई डो आई डाउट वेरी मच कि उसमें कोई ऐसा पैदा हो जो ये कहे माइकल आर स्वाय एक वो जो मुस्लिम उगे, क्या एरिया जो, अभीगर एरिया हा? जो है हाँ वो अपनी कोशिश कर रहे हैं उनको बड़ी सख्ती से दबा दिया गया राइट right, राइट right. बिल्कुल हम आखिर में पहुंच रहे हैं आज के सुपर चैट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको उसमें एड्रेस uh, करें डू यू थिंक वीर जी ने हमें वीर जी लांबा जी ने क्वेश्चन भेजा डू यू थिंक मोदी जी हैज़ लेफ्ट एनी थिंग फॉर अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एंड अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी इंडियन डज नॉट नो करण जौहर एंड द वायर जी करण थापर हैं और <laughs> वायर वाकई ठीक कहते है हैं ये हमारी तरह का एक YouTube चैनल ही है लेकिन हम तो यूट्यूब चैनल के राही आप तक वहाँ पहुँचते हैं कैनेडा अमरीका यूरोप में हमारा ट्वेंटी फोर सेवन का लीनियर चैनल है आप भी भारत में अगर हमारे टैग टी वी की दो आ, एप्स हैं चाहे आप एप्पल टी वी पर या आई पी बॉक्स अगर आपके पास हैं या आई फोन पर या एंड्रॉय बॉक्स Android? में या रॉको में या इवन Amazon फायर में और इसके साथ साथ आप हमें रॉको uh, में भी मैंने नाम ले लिया आप हमें इन सब पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप ऑलमोस्ट ऑल जो है ना प्लेटफॉर्म्स उस पर अवेलेबल है मैं दोबारा दोहराता हूँ रॉको टी वी एप्पल टी वी आई फोन्स एंड्रॉयड और अमेजॉन फायर पर तो आप हमारी एप्स दोनों टैग टी वी और टैग टी इंटरनेशनल के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन वहाँ पर आप हमारा न्यूज़ चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपके साथ यूट्यूब पर अपनी न्यूज़ बुलेटिन भी शेयर करते हैं और टॉक शोज भी लाते हैं मगर चैनल में बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट होता है जो यूट्यूब पर भी नहीं जाता और हम इंग्लिश में अपना कॉन्टेंट बढ़ा रहे हैं आने वाले दिनों में तो वो आपको आने वाले दिनों में जानकारी देंगे चार पाँच और क्वेश्चन रह गए हैं शुड इंडिया एक्टिवलीक्रेज द इंडिपेंडेंस ऑफ बलोचिस्तान ऑन हेल्थ ब्रेक अप पाकिस्तान देखिए मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा फिर डॉक्टर साहब की बात लेता हूँ देखिए बलोचिस्तान के जो साथी हैं जो वहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं उनका तो भारत से ये शिकवा है कि आप बात कर देते हैं हमारी मदद नहीं करते पाकिस्तान वालों का ये कहना होता है कि भाई ये सारी जो टेररिज्म, उनके नज़दीक कोट अन कोट टेररिज्म होती है वो कहते हैं जितना अनरेस्ट है बलोचिस्तान में इसके पीछे भारत है अब सवाल ये है कि मैं ये इसका यही एक हल देखता हूँ कि बलोचिस्तान वालों की अपनी स्ट्रगल है और या तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको ह्यूमन राइट्स दें अगर नहीं दे सकते तो फिर ये आ, उनकी स्ट्रगल जारी रहेगी मैं, मैं बड़ा क्लियर जी इस रंजीत मी किसी कंट्री को किसी कंट्री में हक नहीं है जाके वहां पर लोगों को उकसाए और वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए आगे लेके लोगों को खुद उठना पड़ता है राइट महाजर जो है वो इंडिया से बहुत नाराज हैं कि देखिए ये हमारी मदद नहीं करते बलोचिस्तान नाराज है ऐसे और भी कंट्रीज कल को नाराज हो सकते हैं इंडिया का ये काम नहीं है इंडिया का काम है अपने लोगों को लुक आफ्टर करना और अपने लोगों का स्टैंडर्ड बढ़िया बढ़ाना एजुकेशन को आगे बढ़ाना गरीबी को दूर करना हेल्थ सिस्टम को ठीक करना ना कि किसी मैं इंडिया का ही नहीं कोई भी कंट्री का कोई हक नहीं बनता किसी कंट्री में जाके उनके लोगों को उकसाए आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट डॉक्टर साहब वो बिल्कुल बात ठीक है उकसाने की बात नहीं होती लेकिन जब ह्यूमन राइट्स की एक ग्रॉस वायलेशन होती है जब बांग्लादेश का मामला हुआ था जब उनके मैसिकर हो रहे थे उनका तो वो फिर एक मुकाम आया था कि इंदिरा गांधी के पास शेख मुजीबुर रहमान गए उन्होंने कहा कि आप ये एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट थी हाँ। उन्होंने कहा कि आप ये चाहती हैं कि हमारे और लाखों लोग मारे जाएं, ठीक है अच्छा ये देखिए जैसे बॉसनिया हर्जगोवना में हुआ अगर अमेरिकन ना जाते तो इतना बड़ा जीनोसाइड हो चुका होना था देखिये आपने वो बात की मुजीबान जी की हिंदुस्तान में जहां पर उन्होंने आगे थोड़ा सा इनको कन्विंस किया वहां पर हिंदुस्तान के ऊपर खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई थी दो से तीन करोड़ बांग्लादेशी वहां आके बैठे हुए बिल्कुल दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंदिरा गांधी एट दैट मोमेंट सो समाइम्स एक

वाई टू वेस्टर्न कंट्रीज़ मीडिया टारगेट इंडिया देखिए मैं बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ चूँकि हमारे भारत में बड़ी तरक्याँ हो रही हैं अपनी जगह पर भारत में मीडिया बड़ा वीक है इंटरनेशनल इशूज़ को एड्रेस करने में हम कोशिश कर रहे हैं करें है, लेकिन हम जाहिर अपनी भाषाओं में करते हैं जो जो हम इंग्लिश में अपनी चीज़ों को आगे लाएंगे वो आपके तावन से वो बातचीत चलेगी अदरवाइज़ भारत इतना बड़ा कंट्री है इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है मगर अपना नरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे पेश करने में बिल्कुल फेल है 869 से ज्यादा चैनल्स हैं जी और तकरीबन सारे के सारे चैनल एक ही राइट लगाए हुआ है हिंदुस्तान हिंदुस्तान उनको चाहिए कि दे आ, दे शुड शुड कम विद अदर उम आल्सो जिसमें वो वर्ल्ड का यूरोप को डिस्कस कर सकें नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर सके कैसे इनका आपस में मेल जो है वो हो सकता है इसके लिए वहां का जो मीडिया उसको खुद सोचना चाहिए दैट इज आई थिंक हंड्रेड आपने बिल्कुल नेल जो है वो कॉफिन में लगा है कि मीडिया इज रिस्पांसिबल फॉर नॉट ब्रिंगिंग दिस थिंग्स फॉरवर्ड एब्सोल्युटली जी और क्वेश्चंस करण जी आ, विल जो बाइडेन एंड कमाला हैरिस इंटरफेयर इन कश्मीर इफ डेमोक्रेट्स विन खतरा है क्योंकि कमाला हैरिस इस पे पोजीशन ले चुकी हुई है पहले भी उन्होंने साफ कहा अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है शायद पेंटागन तो भारत के आ, नहीं जाएगा पॉलिसी के खिलाफ लेकिन ये खतरा है कि कमाला हैरिस और इवन जो बाइडन भी चूँकि वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इर्दगर्द के लोगों से अनफॉर्चुनेटली जल्दी वो शायद इस पर पोजिशन लेंगे डॉक्टर साहब कोई कोई कमेंट नहीं कहना चाहता हूँ कि आ, इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया आ, कमाला हैरिस ने भी और बाइडन ने भी कि हमारा बिल्कुल कोई ऐसी इच्छा नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे लेकिन देखिए इलेक्शन इलेक्शन होता है इलेक्शन में देखेंगे होता क्या है इलेक्शन के बाद जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है या कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है जो उनके पहले व्यूज हैं वो तकरीबन कई बार वो उन पर सोच भी नहीं सकते थिंग्स डिफर उस वक़्त आपको बाकायदा पॉलिसीज के साथ चलना पड़ता है एडवाइस के साथ चलना पड़ता है और मुझे खुशी है कि अमेरिका में पेंटागॉन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी और क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास सुरेंद्र जसरा जी ने डॉक्टर साहब आपके लिए व्हाट डू यू से अबाउट तिब्बत सबसे बड़ी गलती थी जी जवाहरलाल नेहरू की 1956 में राइट वे तिब्बत को एक्सेप्ट करना आई थिंक एट दैट टाइम इफ नेहरू हैव डेवस्टोड कि नहीं तो थिंग्स वुड हैव बीन परहैप्स डिफरेंट वर्ल्ड जो है मैं समझता तो हूँ इसमें वर्ल्ड की भी बड़ी वीकनेस है वर्ल्ड ने भी राइट वे यूरोप वॉज द फर्स्ट कंट्री हाँ जी तिब्बत को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पार्ट ऑफ चाइना जहाँ पर हिंदुस्तान की गलती है वहाँ पर वर्ल्ड की भी बहुत बड़ी गलती है तिब्बत को चाइना का हिस्सा समझने में सो so, अब मैं समझता हूँ कि तिब्बत जो है वो तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया चाइना ने आप हैरान होंगे अभी मैं रिसेंटली देख रहा था जो उन्होंने पहले रेलवे लाइन जो बनाई है चार हज़ार जी किलोमीटर की रिसेंटली देख रहा था मोर देन फोर्टी एट परसेंट चाइनीज़ वहाँ पर बस गए हैं और आने वाले टाइम में वहाँ पर सेवेंटी चाइनीज होंगे थर्टी परसेंट होंगे सो so, मतलब अब मुझे लगता है कि तिब्बत नाम का कोई ऐसी चीज़ नहीं रहनी आने वाले टाइम के ऊपर हमारे पास एक दो मिनट रह गए हैं ये क्वेश्चन है इंडिया डी आर डी ओ टेस्ट फायर टेन मिसल्स इन थर्टी डेज व्हाट इट कैन बी रीजन सो मच फास्ट मुझे तो यही लगता है कि वो uh, उनकी तैयारी थी और चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो पूरी दुनिया की फौजें जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हैं ठीक है जो आपने मतलब कुछ ऐसी ही बात जी, आ, दुनिया में जितना फौज के ऊपर पैसा खर्च होता है बड़ी शर्म वाली बात है आप लेकिन, लेकिन अब, अब, अब ये देखिए कंट्री के लोग भूखे मर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के हाँ जी और वो पैसा खर्च कर रहे हैं किसमें मिसाइल्स में अब चूंकि दुनिया में जब से इंसान आया कॉन्फ्लिक्ट्स में है तो हम फौज के तो ख़िलाफ़ नहीं होते हम फौज के तो बहुत हक़ में होते हैं ख़ास तौर पर जो भारत की फ़ौज है वो तो बड़ी कुर्बानियाँ उनकी है लेकिन वो फ़ौज भी बेचारे जवान जब आगे फ्रंट पे जाते हैं अपनी जानें देते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि अमन हो अमन के लिए ही बहुत सारा काम हो रहा होता है लेकिन ये दुनिया बड़ी कॉम्प्लैक्स है जी आखिरी सवाल

यानी खड्डे में घटे <laughs> बस आखिर में इतना ही कहना चाहेंगे जी। कि आप लोगों ने जिन जिन ने भी हमें क्वेश्चन भेजे हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पर कंट्रीब्यूट किया उनके भी हम बहुत धन्यवाद दिए हैं ये 24 घंटे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये बात याद रखिए ये नहीं कि सिर्फ प्रोग्राम में ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब भी आपका दिल करे जब भी आप देखें कि आपकी जेब में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं बैंक में तो आप जरूर पेपाल के थ्रू कंट्रीब्यूट करें क्योंकि बड़ी जल्दी ही हम चाहते हैं कि इंग्लिश के भी प्रोग्राम शुरू हों जिससे दुनिया के राधा दैन ओनली पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के और लोग भी टैग टीवी को एंजॉय कर सकें क्योंकि हमारे बहुत दर्शक हैं इंग्लैंड में अमेरिका में और कनाडा में भी उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं और ताहिर साहब सी ओ जी आप जानते हैं कि इस टैग टीवी के और इनके जो विचार होते हैं उनको तो आप लाखों लोग पसंद करते हो आखिर में ताहिर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथियों डॉक्टर साहब आपका तो शुक्रिया है। <laughs> ने, 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 तो आपका शुक्रिया आपने हमें सुपर चैट लाइव में हमारे साथ हमारे हौसले बंधाए रखे अपने कंसर्नस कमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस की सूरत में और आप हमें पेपॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल पर ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल यूट्यूब पर जो भी यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब नहीं कर सके फेसबुक पर लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ट्विटर पर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडे चैट विद मी एंड डॉक्टर रणवीर शारदा एट टैग टी वी Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.